हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई राहुल मिश्रा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉलिड सॉलिड मिक्सचर। सो लिसन, टुडे वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टू मेथड्स फॉर द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉलिड सॉलिड मिक्सचर। सो लिसन, नेक्स्ट मेथड इज फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड। नेक्स्ट मेथड इज फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड। सो लिसन, दिस मेथड डिपेंड्स अपॉन सॉलिबिलिटी। इट डिपेंड्स अपॉन द सॉलिबिलिटी ऑफ द कंपोनेंट्स। इट मीन्स ये मेथड किस पर डिपेंड करता है? कंपोनेंट्स की सॉलिबिलिटी पर। इट डिपेंड्स अपॉन द सॉलिबिलिटी ऑफ द कंपोनेंट्स। नाउ लिसन, इफ यू हैव अ सॉलिड सॉलिड मिक्सचर, अगर आपके पास एक सॉलिड सॉलिड मिक्सचर है इन विच फर्स्ट कंपोनेंट इज सॉलिड एंड सेकेंड कंपोनेंट इज ऑल्सो सॉलिड, देन दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एज सॉलिड सॉलिड मिक्सचर एंड यू हैव टू सेपरेट दिस मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव द मिक्सचर ऑफ KNO3 मीन्स पोटेशियम नाइट्रेट एंड KCl और वी कैन टेक NaCl। इफ यू हैव अ मिक्सचर ऑफ KNO3 एंड NaCl, अगर आपके पास KNO3 और NaCl का मिक्सचर है और आपको KNO3 और NaCl कंपोनेंट्स को अलग अलग करना है इस मिक्सचर से, तब हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड। सो लिसन, इन दिस मेथड फर्स्ट वी डिजॉल्व दीज कंपोनेंट्स इनटू वाटर। इट मींस इस मेथड में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं या पूरे कंप्लीट मिक्सचर को वाटर में डिजॉल्व कर लेते हैं। नाउ वी डिजॉल्व दिस मिक्सचर इनटू वाटर, देन लिसन, द कंपोनेंट KNO3 इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो जो हमारा कंपोनेंट KNO3 है, पोटेशियम नाइट्रेट, ये हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में, एंड द कंपोनेंट NaCl इट इज लेस सॉल्युबल इन वाटर। सो लिसन, व्हेन वी हीट दिस मिक्सचर, जब हम इस मिक्सचर को क्या करते हैं, हीट करते हैं, व्हेन वी हीट दिस मिक्सचर देन हाईली सॉल्युबल कंपोनेंट KNO3 देन हाईली सॉल्युबल कंपोनेंट KNO3 will escape out from the container with water। तो होता क्या है, जब हम इस मिक्सचर को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो जो हमारा हाईली सॉल्युबल कंपोनेंट है दैट इज KNO3, ये हमारे सोल्यूशन से वाटर के साथ इवेपोरेट कर जाता है या उड़ जाता है। सो KNO3 escape out with वाटर, विद वाटर वेपर। सो लिसन, एंड द सॉलिड NaCl कंपोनेंट, और जो हमारा सॉलिड NaCl का कंपोनेंट है, इट इज लेस सॉल्युबल इन वाटर इन कंपैरिजन टू KNO3, सो इट लेफ्ट बिहाइंड। तो ये हमारा कंटेनर में बचा रह जाता है। सो सॉलिड NaCl सेकेंड कंपोनेंट इज लेफ्ट बिहाइंड इनटू द कंटेनर एंड इट क्रिस्टलाइजेज आउट, और ये क्रिस्टलाइज होके बाहर निकल आता है, एंड इट क्रिस्टलाइजेज आउट,
और ये क्रिस्टलाइज होकर बाहर निकल आता है. सो लिसन, इट मींस वी हैव सेपरेटेड KNO3 एंड NaCl कंपोनेंट्स फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड. तो होता क्या है, लास्ट में हमें सॉल्यूशन में क्या मिलता है, लेस सॉल्युबल कंपोनेंट NaCl, क्योंकि हमारा जो KNO3 कंपोनेंट है वो वाटर वेपर के साथ बाहर निकल जाता है इवेपोरेट करके. जो बचा हुआ कंपोनेंट है NaCl, ये हमारा वाटर के साथ या सॉल्यूशन में पड़ा रहता है. फिर हम इसे क्या करते हैं, हीट करते हैं और हीट करते हैं एंड वी मेक इट कंसंट्रेटेड. और हम इस सॉल्यूशन को कैसा बनाते हैं, कंसंट्रेटेड बनाते हैं. कंसंट्रेटेड मींस इस सॉल्यूशन को हम लोग कंसंट्रेटेड बनाने के लिए हीट करते हैं. कंसंट्रेटेड मींस थोड़ा गाढ़ा सॉल्यूशन बनाएंगे NaCl का, जिससे कि जो हमारा लेस सॉल्युबल कंपोनेंट है वो हमारा कूलिंग करने पर, सडनली कूलिंग करने पर, इट मींस जो हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनेगा, कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन, उसकी हम क्या कर देंगे, सडनली कूलिंग मींस उसको अचानक ठंडा कर देंगे, तो हमें क्या दिखने लगेंगे, क्रिस्टल्स ऑफ NaCl, क्रिस्टल्स ऑफ लेस सॉल्युबल कंपोनेंट NaCl. तो हमें NaCl के क्रिस्टल्स दिखने लगेंगे. क्रिस्टल्स ऑफ लेस सॉल्युबल कंपोनेंट NaCl. सो लिसन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन. इट मींस किसी भी कंपोनेंट के क्रिस्टल को बनाने की प्रोसेस क्या कहलाती है, क्रिस्टलाइजेशन. और हमने क्या किया है, मिक्सचर के एक पार्ट को या एक फ्रैक्शन को क्रिस्टलाइज करके बाहर निकाल लिया है. सो दिस मेथड इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड. इट मींस जब किसी मिक्सचर के एक फ्रैक्शन को या एक पार्ट को क्रिस्टलाइज करके बाहर निकाल लिया जाता है बाय यूजिंग दिस प्रोसेस, देन दिस मेथड इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड. नाउ वी विल डिस्कस द लास्ट मेथड एंड इट इज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड. दैट मेथड विल बी द लास्ट मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ सॉलिड मिक्सचर. इट मींस जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड है ये हमारा लास्ट मेथड होगा किसी सॉलिड मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए. सो व्हाट इज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड. सो लिसन, सॉल्वेंट, वी ऑल नो दैट एनी सॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल सुगर सॉल्यूशन, एनी सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट. फर्स्ट वन इज सॉल्यूट एंड सेकंड वन इज सॉल्वेंट. इन सुगर सॉल्यूशन सॉल्यूट विल बी सुगर एंड सॉल्वेंट विल बी वाटर. सो सॉल्यूट ऑलवेज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट और लेस क्वांटिटी एंड सॉल्वेंट ऑलवेज प्रेजेंट इन हाई अमाउंट और हाई क्वांटिटी इन सॉल्यूशन. सो लिसन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड, सो नेम से ही क्लियर है. सो लिसन, दिस मेथड इज यूज्ड
टू सेपरेट द टू सॉलिड कंपोनेंट्स फ्रॉम दियर मिक्सचर एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द सॉलिबिलिटी ऑफ दीज टू कंपोनेंट्स. इट मीन्स होता क्या है, ये मेथड भी सॉलिबिलिटी के डिफरेंस पर या दोनों कंपोनेंट की सॉलिबिलिटी के डिफरेंस पर डिपेंड करता है. हम लोग क्या करते हैं इस मेथड में, इन दिस मेथड वी एक्सट्रैक्ट द कंपोनेंट बाय यूजिंग सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड. इन दिस मेथड वी डिजॉल्व द मिक्सचर, द गिवन मिक्सचर, दिस इज योर गिवन मिक्सचर, इनटू अ सॉल्वेंट. इट मींस इस मेथड में हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या, जो गिवन मिक्सचर है उसको सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर लेते हैं. सो वी डिजॉल्व गिवन मिक्सचर इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट. और यहां पर्टिकुलर सॉल्वेंट हम लोग कौन सा लेंगे, लिसन, इफ यू हैव टू सेपरेट सल्फर एंड सैंड, अगर आपको सल्फर और सैंड को अलग अलग करना है मिक्सचर से, तो हम लोग इस मिक्सचर को हम लोग किसमें डिजोल्व करते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड, दैट इज CS2. तो होता क्या है, लिसन, सल्फर इज मोर सॉल्युबल कंपोनेंट, सल्फर हमारा ज्यादा सॉल्युबल होता है, सल्फर इज मोर सॉल्युबल इन CS2 सॉल्वेंट. इट मीन्स सल्फर जो है वो कार्बन डाइसल्फाइड में ज्यादा सॉल्युबल होता है. एंड लिसन, सेकेंड कंपोनेंट टू मीन्स सैंड, इट इज नॉट सॉल्युबल इन सैंड. जो हमारा सैंड है वो CS2 सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होती है. देन लिसन, इट मीन्स नाउ यू हैव अ मिक्सचर इन विच सैंड पार्टिकल प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ दिस सॉल्यूशन. एंड लिसन, द सॉल्यूशन आल्सो कंटेन CS2 सॉल्वेंट इन विच सल्फर इज डिजॉल्व. इट मीन्स जो हमारा सोल्यूशन होगा उसमें क्या क्या रहेगा, हमारी सैंड रहेगी जो कि नीचे कंटेनर के बैठी जाएगी, दिस इज सैंड पार्टिकल, दीज आर सैंड पार्टिकल्स, और जो हमारा सोल्यूशन है उसमें और क्या रहेगा, CS2 सॉल्वेंट रहेगा, मीन्स कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट रहेगा, जिसमें कि हमारी सल्फर क्या रहेगी, डिजॉल्व रहेगी. नाउ वी यूज सिंपली फिल्ट्रेशन मेथड. अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, सोल्यूशन को या रिजल्टेंट सोल्यूशन को फिल्टर कर लेंगे. तो फिल्टर करने पर होगा क्या, नाउ वी यूज सिंपली फिल्ट्रेशन मेथड. तो फिल्ट्रेशन करने पर होगा क्या, हमारा एक कंपोनेंट हमें फिल्टर पेपर के ऊपर मिल जाएगा, दैट इज सैंड, जिसका साइज क्या होगा, ज्यादा होगा. और जो हमारा दूसरा कंपोनेंट है वो सॉल्वेंट के साथ निकलकर या एक्सट्रैक्ट होकर बाहर निकल आएगा. इट मीन्स सेकेंड कंपोनेंट इज व्हाट, सेकेंड कंपोनेंट इज सल्फर एक्सट्रैक्टेड विद CS2 सॉल्वेंट. इट मीन्स जो हमारा सल्फर है वो हमारी एक्सट्रैक्ट होकर
CH2 सॉल्वेंट के साथ बाहर आ जाती है और जो हमारा सैंड है जिसका पार्टिकल साइज ज्यादा होगा वो कंपोनेंट हमारा फनल में प्रेजेंट फिल्टर पेपर पर आकर डिपॉजिट हो जाएगा सॉल्यूशन एंड दिस सैंड इज कॉल्ड एज रेजिड्यू। इस सैंड को क्या बोलेंगे? रेजिड्यू। जो कंपोनेंट हमारा फिल्टर पेपर पर आकर डिपॉजिट होता है उसे कहते हैं रेजिड्यू। दिस इज कॉल्ड एज रेजिड्यू। और जो कंपोनेंट हमारा फिल्टर होकर लिक्विड फॉर्म में नीचे गिर जाता है दैट इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेट। तो उस कंपोनेंट को कहते हैं फिल्ट्रेट। दिस इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेट। इट मीन्स फिल्टर करने पर हमको दो कंपोनेंट मिल जाते हैं, एक होता है रेजिड्यू जो कि यहां सैंड है फिल्टर पेपर के ऊपर आएगी और दूसरा हमारा होगा फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट मीन्स दिस लिक्विड कंपोनेंट। सो सल्फर एक्सट्रैक्टेड विद CH2 सॉल्वेंट। इट मीन्स ये यहां पर क्या होगा, सल्फर हमारी प्रेजेंट होगी CH2 सॉल्वेंट के अंदर जो कि कैसा कंपोनेंट होगा, लिक्विड कंपोनेंट होगा और सैंड हमारी कैसा कंपोनेंट है, दिस इज सॉलिड कंपोनेंट। तो सॉलिड रेजिड्यू एंड लिक्विड फिल्ट्रेट। सो लिसन, दिस मेथड इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। व्हाई? बिकॉज द कंपोनेंट, वन कंपोनेंट ऑफ द गिवन मिक्सचर इज एक्सट्रैक्टेड बाय सॉल्वेंट। क्योंकि इस मेथड में हम लोग जो मिक्सचर हमें दिया जाता है उससे किसी कंपोनेंट को हम लोग सॉल्वेंट में डालकर क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। जैसे यहां पर सल्फर और सैंड के मिक्सचर में सल्फर को CH2 सॉल्वेंट में डिजोल्व करके हमने बाहर निकाल लिया। सो लिसन, दिस इज द रीजन व्हाई दिस इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। थैंक यू।